दोस्तों, यदि आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और ख़ुद से करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहां पे जो है पैन कार्ड अप्लाई और आगे NSDL लिख लीजिए, क्योंकि हम जो सर्विस यूज करने वाले हैं वो NSDL का है। ठीक है, तो ये पहला वेबसाइट जो खुला है पैन कार्ड एप्लीकेशन NSDL, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, 49 न्यू पैन सिटीजन का यहाँ पे 49 फार्म डालना रहेगा। कैटेगरी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नाम। आपको मैं बता दूँ कि प्रोसेस कैसा है यहाँ पे। ये रजिस्ट्रेशन आपको जैसे आपके आधार कार्ड में है सेम उसी तरह भरना है ये, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आपको एक टोकन जनरेट हो जाएगा जो कि टेम्पररी होगा और 9 दिन के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद उसी टोकन ID से आपको जो है लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, आप लॉगिन करेंगे तो आपको टोकन ID, ठीक है, देखो यहाँ पे टोकन ID, ईमेल ID या डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आपको जो है 3 से 4 स्टेप पूरा करने के बाद आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI से 106 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करके उसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे मैं ध्यान देने वाली बात है कि आपके आपका रजिस्टर नंबर आपके आधार कार्ड में ज़रूर ऐड होना चाहिए और आपके पास, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन कोड जाता है। उसको वैलिडेट करने के बाद आपका जो है पैन कार्ड सबमिट हो जाएगा। 3 से 4 दिन में आपको जो है डाक द्वारा आ जाता है और 24-48 घंटे में आपको पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाता है। तो यही है प्रोसेस, इस तरह से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।